हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब खबर रोहतक से, जहां पर आर्य नगर कॉलोनी में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, असम की रहने वाली पायल की शादी लगभग 2.5 साल पहले आर्य नगर कॉलोनी के रहने वाले नीरज के साथ हुई थी। सुबह पायल छत पर बने कमरे में गई और उसने चुन्नी पंखे से बांधकर फांसी लगा ली। काफी देर तक पायल नीचे नहीं लौटी तो परिवार वालों ने ऊपर जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने खुदकुशी की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद आर्य नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आया था हमारे सामने एक लड़की है, पायल, वाइफ ऑफ नीरज। ये पीछे से कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आसाम की रहने वाली है और यहाँ नीरज से शादीशुदा है। इसकी करीब 2.5 साल हुए हैं। इसकी हम डेड बॉडी को पीजीआई में रखवाया ही है। उन्हें घरवालों को इन्फॉर्म कर दिया, अभी घरवाले आ रहे हैं। उसके यानी घरवाले आएंगे, जैसे उसके बाद जो कार्रवाई होगी जांच में जो आएगी सामने, वैसी हम कार्रवाई करते हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे। प्राथमिक जांच में क्या लगा? प्राथमिक जांच सर, इसमें सुसाइड का है मामला ही। बाकी